नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना जांच और टीकाकरण टीम सभी सार्वजनिक स्थलों पर होगी तैनात। बिहार के डाकघरों में अगले महीने से मिलेगी ई बैंकिंग की सुविधा। सुब्रत रॉय हाजिर हो, पटना हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। आज जेल से रिहा होंगे लालू। केंद्र ने बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगने वाले टैक्स को कम करने की उठाई मांग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इन्फोर्समेंट SI और रेंज ऑफिसर की PET की तारीख हुई जारी। बिहार परिवहन विभाग में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और वन विभाग में रेंज ऑफिसर पदों के लिए होने वाली PET परीक्षा के एडमिट कार्ड BPSSC ने बीते दिन जारी करने की तारीख जारी कर दी है। साथ ही BPSSC ने इस परीक्षा की तारीख भी जारी की है। BPSSC की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार PET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 30 अप्रैल 2022 को 11 बजे दिन से विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुल 255 पदों पर बहाली होनी है। इनमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इन्फोर्समेंट SI के लिए 212 जबकि रेंज ऑफिसर के लिए 43 पद है। कोरोना जांच और टीकाकरण टीम सभी सार्वजनिक स्थलों पर होगी तैनात। कोरोना जांच और टीकाकरण टीम को सभी प्रमुख अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को तैनात करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक के आखिरी दिन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने दिशा निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने राज्य में मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष ध्यान देने का बल दिया है। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे महर्षि मेही परमहंस की। महर्षि मेही परमहंस संत मत की परंपरा में एक संत है। उन्हें आमतौर पर गुरु महाराज के नाम से जाना जाता है। वो अखिल भारतीय संत मत सत्संग के गुरु हैं। उन्होंने वेदों मुख्य उपनिषदों भगवद गीता बाइबल बौद्ध धर्म के विभिन्न सूत्र कुरान संतों के साहित्य का अध्ययन किया है और इससे ये आकलन किया है कि इन सभी में निहित आवश्यक शिक्षा एक ही है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का एक और आसान तरीका बताया, वो सत्संग और ध्यान है। मेही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बाबा देवी साहब की प्रत्यक्ष शिष्या थी। महर्षि मेही का जन्म 28 अप्रैल 1885 को बिहार के एक छोटे से गाँव मझुआ भारत में हुआ था। अपने शिक्षक के निर्देशानुसार मेही ने कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित एक आश्रम में गहन ध्यान में कई साल बिताए। बिहार के डाकघरों में अगले महीने से मिलेगी ई बैंकिंग की सुविधा। बिहार में मई के पहले सप्ताह से डाकघरों के करोड़ों खाताधारकों को ई बैंकिंग की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ही डाकघर के खाताधारक भी गूगल पे से जल्द भुगतान कर पाएंगे। इसके बाद पेंशन और मनरेगा के श्रमिक को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इसके लिए सिस्टम को अपडेट करने का काम शुरू हो चुका है। ई बैंकिंग सेवा में निफ्ट को भी अब शामिल किया गया है। डाक विभाग ग्राहकों को ये सेवा मई के पहले सप्ताह में उपलब्ध करवाने जा रहा है। डाकघर की बचत बैंक में गांव के लोग छोटी छोटी राशि जमा करते हैं। पेंशन डाकघर के बचत खाते में आती है। किसान विकास पत्र और डाकघर की अन्य बचत योजना के पूरे होने पर डाकघर के बचत खाते में रुपए जमा कर देते हैं। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने निकाली रिक्तियां। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्टाइपेंडरी कैडेट ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल जूनियर कांस्टेबल फायरमैन वार्डर के 16,032 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास 10+2 और इलेक्ट्रिक्स मैकेनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन वायरमैन मैकेनिक मोटर व्हीकल डीजल मैकेनिक फिटर ऑटो इलेक्ट्रीशियन में ITI और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.tslprb.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। पुलिस थानों में तब्दील किए जाएंगे राज्य के 200 से अधिक OP। बिहार में अधिक से अधिक आबादी तक थानों की पहुंच बनाने के लिए और चुस्त पुलिसिंग के लिए बिहार के साथ आउटपोस्ट को थानों में तब्दील करने की योजना पर काम हो रहा है। वर्तमान समय में मौजूद करीब 225 OP में 200 को थानों में बदलने की संबंधित प्रस्ताव को पुलिस महकमा अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। हालांकि अब इस प्रस्ताव को गृह विभाग के पास जल्द ही भेजा जाना है। फिर इससे जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद इस पर अंतिम स्तर की अनुमति प्राप्त करने के लिए इसे कैबिनेट के समक्ष भेजा जाएगा। इसके बाद इन सभी OP को थाना में बदलने और इनके लिए अपने भवन के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 3 से 4 दिनों तक बचकर रहे इन जिलों के लोग।
बिहार में लगातार पारा बढ़ने से लोगों का दिन में निकलना अब एकदम ही मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने तो लोगों से ये तक कह दिया है कि अगर जरूरत ना हो तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घरों से बाहर निकले ही नहीं। इसी बीच अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लोगों को अगले 3 से 4 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के बांका और जमुई में अगले 3 से 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है। बढ़ते पारा का असर ये है कि प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भी 40 के पार पहुंच गया। ऐसे में सभी लोग बेवजह दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले। कोरोना के साथ AES और JEE की एक साथ होगी निगरानी। बिहार में कोरोना के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही अन्य बीमारियां भी अपना पैर पसार रही है। बिहार में COVID-19 के साथ ही चमकी बुखार अथवा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस की एक साथ निगरानी की जाएगी। बिहार में COVID-19 संक्रमण की चौथी लहर की आशंका को देखकर स्वास्थ्य विभाग बीमारी के नियंत्रण की व्यवस्था में जुट गया है। कोरोना महामारी की निगरानी और नियंत्रण को लेकर राज्य स्तर पर निगरानी कक्ष की स्थापना भी की गई। स्वास्थ्य सेवा स्तर के निदेशक प्रमुख से लेकर अपर निदेशक जिले के नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो हर दिन शाम को स्वास्थ्य विभाग को संबंधित जिले में कोरोना की स्थिति से अवगत कराएंगे। मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की तैयारी शुरू। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। सैद्धांतिक परीक्षा के लिए सामग्री स्कूलों में भेज दी गई है। इसके तहत ही प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन 29 और 30 अप्रैल को होगा। 5 से 9 मई तक सैद्धांतिक परीक्षा होगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा बुधवार को सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा संबंधी सामग्री भेज दी गई है। ज्ञात हो कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल में 4,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा लगभग 40,000 परीक्षार्थियों के विशेष परीक्षा में शामिल होने की संभावना भी जताई गई है। सुब्रत रॉय हाजिर हो, पटना हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पास रखते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की कमाई को सहारा इंडिया के कई स्कीमों में लगाया था ताकि भविष्य में उस पैसे का इस्तेमाल कर सके, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आई तो कंपनी ने पैसे भुगतान करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद निवेशकों को लगने लगा है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ी है। हालांकि बाद के दिनों में कंपनी का सारा फ्रॉड निकल कर सामने आ गया। कंपनी की तरफ से बाद के दिनों में ये कहा जाने लगा कि आप दूसरे स्कीमों में अपना पैसा लगा दे। इसके बाद कई ऐसे निवेशक हैं जो कि कोर्ट के पास पहुंच गए हैं। ऐसे में देश के कई राज्यों के में सहारा समूह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इधर पटना हाईकोर्ट में भी एक मामले में सुनवाई के दौरान सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय को 11 मई में कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। बिहार के जर्दालू आम का होगा निर्यात। बिहार का जर्दालू आम हर गर्मी में आम को पसंद करने वालों की लिस्ट में होता ही है, क्योंकि इस आम की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हर बार मांग देखने को मिलती ही है। आम का स्वाद बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक चख चुके हैं। इसको लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, इसलिए इस आम ने लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। इसको लेकर बीते दिन जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा भवन में कृषि पदाधिकारी और आम के किसानों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने जर्दालू आम के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कृषि पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया कि सभी बागान में जाकर निरीक्षण करें और आम में लगे बीमारियों के बारे में किसानों को बताएं। इसके साथ ही जल्द ही आम की निर्यात भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इसे अब एक्सपोर्ट लिस्ट में जोड़ दिया गया है। अनियोजित कार्यपालक सहायकों का दिखा प्रदर्शन। बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई अभ्यर्थी तो परीक्षा पास करके नियोजन के इंतजार में बस दिन काट रहे हैं। हालांकि अब अलग अलग विभागों के अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटने लगा है, जिसका प्रमाण बीते दिन राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिला। जो बिहार में प्रतीक्षारत अनियोजित कार्यपालक सहायकों का नियोजन पंचायतों में कराने की मांग को लेकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे एक अनियोजित कार्यपालक सहायक ने अपनी जान लेने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय परिसर के प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्ला बल का प्रयोग भी किया। आज जेल से रिहा होंगे लालू। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कानूनी पचड़ों में तो फंसे ही है, साथ ही उनकी सेहत भी उनका साथ नहीं दे रही, जो उनके और उनके परिवारजनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच राहत की खबर सामने आई है। बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 28 अप्रैल को जेल से रिहा होंगे। झारखंड हाईकोर्ट से 22 अप्रैल को उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन जमानत आदेश बुधवार को दिन के 12 बजे निर्गत किया गया। सिविल कोर्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होने के कारण 12 बजे तक बंद हो गया। इससे बुधवार को बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका। गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के साथ सीबीआई की विशेष अदालत में 28 अप्रैल को बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसके बाद लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा किया जाएगा।
बिहार सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे तेजस्वी। आगामी संपूर्ण क्रांति दिवस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार की विफलताओं की पोल खोलने वाले हैं, क्योंकि इस मौके पर यानी कि 5 जून को नीतीश सरकार की विफलताओं का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इसको लेकर बापू सभागार में महागठबंधन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। तेजस्वी की घोषणा पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसको लेकर ही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार का 1.5 साल के रिपोर्ट कार्ड के जारी होने से हमें खुशी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि तेजस्वी अपने माता पिता के कार्यकाल का भी रिपोर्ट कार्ड साथ में जारी करे तो हमें अति प्रसन्नता होगी। ऐसा करने से बिहार की जनता भी काफी खुश होगी। पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देशभर में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी की ताजा स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कुछ राज्यों में किस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। लिहाजा अब देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन और उसके बाद उसके सब वेरिएंट्स किस तरीके से गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। पिछले कुछ महीने में कुछ देश में कोरोना के विभिन्न स्वरूपों की वजह से कुछ लहरें भी आई हैं, लेकिन भारत ने कई देशों की तुलना में हालत पर काफी नियंत्रण कर रखा है, लेकिन भारत में बढ़ रहे मामले भी चिंताजनक हैं। बिहार में दिखेगी इफ्तार पर सियासत। राजद के बाद अब जदयू की इफ्तार पार्टी में आएंगे लालू परिवार। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में रोजेदार तो हर दिन की तरह रोजा रखकर इफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में इफ्तार पर सियासत जारी है। हाल ही में राजद की तरफ से किए गए इफ्तार पार्टी की सियासत अभी थमी ही नहीं थी कि अब जदयू की इफ्तार पार्टी ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। आज यानी कि 28 अप्रैल को जदयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ पूरे परिवार के साथ साथ राजद के कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की देखरेख में हज भवन में इसका आयोजन कर रहा है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। ये पार्टी सामान्य से हटकर है, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले मेहमान भी खास हैं। केंद्र ने बिहार से पेट्रोल डीजल की कीमत में लगने वाले टैक्स को कम करने की मांग। बिहार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि बीते दिन मामूली इजाफा देखने को मिला, लेकिन अब बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम में राहत की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बीते दिन प्रधानमंत्री के साथ सीएम नीतीश समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से पेट्रोल डीजल का टैक्स घटाने की अपील की है। पीएम ने कहा कि कई राज्यों ने टैक्स में कटौती की, इस कारण लोगों को राहत मिली, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया, इस कारण लोग परेशान हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम नीतीश कुमार समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हैं। बिहार की हवा में सबसे ज्यादा धूल, शुद्ध हवा की जगह धूल फांक रहे हैं लोग। बिहार में गर्मी से बेहाल जनता का सांस लेना भी दुश्वारा हो गया है, क्योंकि बिहार की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि यहाँ की हवा में राजस्थान से भी ज्यादा धूल है। राजधानी पटना की ही बात करें तो यहाँ की हवा में प्रदूषण की मात्रा 289 AQI बीते दिन दर्ज की गई। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का कहना है कि वर्तमान में राज्य में काफी तेज पछुआ हवा चल रही है, ऐसे में पटना, बक्सर और अन्य नदी किनारे बसे शहरों में प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई है। नदी के किनारे पड़ी बालू की परत हवा के साथ उड़कर शहर में पहुंच रही है। मैदानी इलाके में उड़ रही धूल से भी वातावरण प्रदूषित हो रहा है। बिहार विधानमंडल से पारित 10 विधेयकों को राज्यपाल ने दी मंजूरी। बीते दिन बिहार राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पेश और पारित 1 को छोड़कर सभी विधेयकों को मंजूरी दे दी है। बजट सत्र में कुल 11 विधेयक पेश हुए और पारित हुए थे। इसके कानून बनने से पहले राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है। कुछ विभागों ने तो विधेयक के आधार पर बने नए प्रावधानों पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। गन्ना से संबंधित 1 विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। 2 विनियोग विधेयक और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक स्थायी प्रकृति है, इन्हें हर साल पारित किया जाता है। बिहार को हर दिन मिल रही है 2000 मेगावाट कम बिजली। बिहार में गर्मी से लोग त्रस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली की आंख मिचौली भी झेल रहे हैं। बिहार के कई जिलों में घंटों बिजली गुल होने की समस्या भी शुरू हो गई है। बाहर गर्मी से बचने के लिए लोग घर में रहते हैं, लेकिन घर में भी बिजली नहीं होने से परेशानी बढ़ी हुई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिजली विभाग की तरफ से मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिदिन राजधानी पटना समेत सभी जिलों में बिजली काटी जा रही है। बिजली विभाग के एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार NTPC की 4200 मेगावाट बिजली अभी ले रही है। हालांकि बिजली करार 5200 मेगावाट की है, लेकिन देश में इन दिनों कोयला संकट गहराता जा रहा है। बिजली उत्पादन के लिए बिहार को जितने कोयले की जरूरत है वो नहीं मिल पा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2008 में PSLV-C9 के साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो को 2008 में मरणोपरांत प्रतिष्ठित टिप्पणी इंटरनेशनल पुरस्कार प्रदान किया गया। बीजी तिलक ने 1916 में भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की। 1791 में महाराजा रणजीत सिंह ने सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा का जन्म हुआ। मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का 1740 में निधन हुआ। 1740 में बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी मस्तानी का भी निधन हुआ।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,500 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,910 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,450 रुपए था, यानी कि बीते दिन सराफा बाजार की कीमतों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की बात करें तो इसकी कीमत 116.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.88 रुपए प्रति लीटर था। अक्षरा सिंह का नया गाना जल्द आ रहा है सामने। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह जितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है उतनी ही शानदार सिंगर भी है। एक्ट्रेस के गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं। अब एक्ट्रेस ने अपने अपकमिंग गाने का पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर को अक्षरा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। पोस्टर में आप देखेंगे कि अक्षरा ने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है। गाने का नाम है अब किसका घर जलाओगे। इस गाने को अक्षरा ने गाया है, लिरिक्स ऋषि ग्वाला ने लिखा है और म्यूजिक अविनाश झा ने दिया है। हालांकि अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि यह गाना कब रिलीज होगा और इसमें अक्षरा के साथ कौन होंगे। सालों बाद गांधी मैदान में होगी ईद की नमाज। कोरोना के कारण बिहार में पिछले 2 सालों से किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। 2 साल से ईद की नमाज भी लोग घर में ही अदा कर रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना के मामले नियंत्रित हैं, ऐसे में इस बार अब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद 3 मई को गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। इसमें हजारों की संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गांधी मैदान में साफ सफाई, पार्किंग, विधि व्यवस्था, जलापूर्ति, प्रकाश की व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। राशिद खान ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को दिलाई रोमांचक जीत। गुजरात ने हैदराबाद को आईपीएल के 40वें मैच में 5 विकेट से मात दे दी है। आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। राशिद और तेवतिया ने ओवर में 4 छक्के लगाकर टीम को जीत दिला दी। राशिद ने 11 गेंद में 33 रन और तेवतिया के बल्ले से 21 गेंद में 40 रन निकले। लास्ट ओवर में गुजरात को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। क्रीज पर राहुल तेवतिया और राशिद खान थे और ओवर करने के लिए मार्को येनसन आए। पहली गेंद पर तेवतिया ने मिड विकेट के लिए ऊपर छक्का जोड़ा। दूसरी गेंद पर राहुल ने फाइन लेग पर सिंगल चुराया। अब राशिद क्रीज पर थे और उन्होंने भी हाथ खोलते हुए साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्का लगा दिया। अब जीटी को 3 गेंद में 9 रन बनाने थे। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आया। 5वीं गेंद पर राशिद ने डीप कवर के ऊपर से छक्का लगाकर फैंस की सेंस को रोक दिया। आखिरी गेंद टाइटंस को 3 रन की दरकार थी और राशिद ने असंभव काम को संभव कर दिखाया। उन्होंने फाइन लेग पर छक्का लगाकर गुजरात को यादगार जीत दिला दी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, कुश कुमार यादव, विकास बिहारी, अजय कुमार, मंटू कुमार, अजय कुमार सिंह, रोहित कुमार, कुमार छोटू, ममता सिन्हा, विजय कुमार, ध्रुव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।